पूर्णिया के शक्तिनगर स्थित श्री श्री 108 बाबा नागेश्वर नाथ सार्वजनिक मंदिर में सीमेंट और बालू से बनाए नागराज के द्वारा दूध पिए जाने का अफवाह फैला दी गई और दूध पीते हुए एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया गया, जिसके बाद बड़ी संख्या में लोग मंदिर में नागराज को दूध पिलाने उमड़ पड़े, जिससे काफ़ी अव्यवस्था उत्पन्न हो गई और लोग करीब आधी रात तक नागराज को देखने एवं दूध पिलाने के लिए परेशान रहे। लोगों की उमड़ती भीड़ को देख मीडिया वाले भी वहां पहुंचे तो देखा गया कि अफवाह के शिकार केवल अशिक्षित लोग ही नहीं हैं और पढ़े लिखे लोग भी अफवाह को आगे बढ़ाने में लगे हुए थे, जिससे अशिक्षित लोगों के बीच अफवाह और तेजी से फैलती जा रही थी और बड़ी संख्या में लोग दर्शन के लिए उमड़ रहे थे। इस दरमियान कोसी आलोक की टीम ने जानने की कोशिश की कि वो पहला आदमी कौन था जिन्होंने नाग देवता को सबसे पहले दूध पिलाया और दूध पीने की बात लोगों में फैलाई। इसके लिए कोई सामने नहीं आया तो कोसी आलोक की टीम ने वायरल वीडियो में लोगों को पहचानने की कोशिश की, साथ ही यह जानने की कोशिश की कि आखिर सीमेंट और बालू के बनाए हुए नाग देवता दूध कैसे पी रहे हैं और इसकी सच्चाई क्या है। लेकिन काफी भीड़ होने के कारण इसका सही तरह से तहकीकात नहीं किया जा सका, किंतु कुछ समझदार लोगों ने अंदेशा लगाया कि मंदिर की प्रसिद्धि को बढ़ाने के लिए कुछ लोगों ने जानबूझकर यह अफवाह फैलाई है और जांच करने से इसकी सच्चाई सामने आ सकती है। जबकि कुछ लोगों ने कहा कि नागराज सीमेंट और बालू का बना हुआ है, जिसमें आप दूध या पानी सटाएंगे तो वो सोखेगा ही, और इसी को आधार बनाकर अफवाह फैला दी गई है, जिसके शिकार बड़ी संख्या में पढ़े लिखे और अशिक्षित लोग हो रहे हैं।